तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर थीटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी यहाँ पर कि किस तरीके से थीटा जो है वो आपके पोर्टफोलियो को इफेक्ट करता है। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में देखने वाले हैं, जहाँ पर आप थीटा को लॉन्ग करने के बाद किस तरीके से इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं कि किसी भी स्ट्रेटेजी को हम लोग कैसे प्ले करेंगे, उसके लिए क्या पैरामीटर डिसाइड करेंगे, और किसी भी स्ट्रेटेजी में अगर हम लोग काम कर रहे हैं सो कितने दिन तक का डेटा हम लोगों को चाहिए पेपर ट्रेडिंग का, या फिर हम लोग उसमें रियल ट्रेडिंग करें तो हमको कॉन्फिडेंस आ पाए कि हम लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। सो जिन लोगों ने थीटा वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आप क्लिक कर उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने बुलिश, बियरिश और साइडवेज स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैनल के ऊपर। बट ये सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर वीकली है, यानी कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होता है जब हमारी एक्सपायरी यहाँ पर आती है। सो अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग ऑप्शंस को इंट्राडे के अंदर समझने वाले हैं कि इंट्राडे में अगर हम लोग किसी भी स्ट्रेटेजी में काम करेंगे सो हमारे क्या प्रॉफिट होंगे, क्या लॉस होंगे। तो इंट्राडे के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रेटेजी है, एक है यहाँ पर स्ट्रेडल और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेंगल। तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको किसी भी व्यू की ज़रूरत नहीं है, आपको ना तो बियरिश होना है ना बुलिश होना है। ये दोनों ही व्यू हमको काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं कि हम लोग कैसे बनाएं इन व्यू को। तो अभी हमारा व्यू हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में या तो वॉलेटिलिटी हाई रहने वाली है या फिर लो रहने वाली है। अभी हम लोग मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, कि मार्केट यहाँ पर बियरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है। हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट में तेजी आती है या फिर गिरावट आती है सो वो कितने इंटेंसिटी से होती है, उसके ऊपर हमारा फोकस है। हमारा ना तो यहाँ पर ये फोकस है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ना यहाँ पर ये फोकस है कि मार्केट नीचे आना चाहिए। मार्केट ऊपर जाए तो ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नीचे जाए तो नीचे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। बट हमारा जो मेन यहाँ पर व्यू बन रहा है वो इसकी इंटेंसिटी पर बन रहा है कि कितनी ताकत से ऊपर जाएगा या फिर कितनी ताकत से नीचे जाएगा या फिर वहीं पर बना रहेगा। तो मार्केट या तो वॉलेटाइल हाई होंगे या फिर लो वॉलेटाइल होंगे, बस ये हमको हमारा फोकस रखना है। तो 80% लोग, जिन लोगों को यहाँ पर व्यू क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है कि आज मार्केट बुलिश है तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो करें या फिर बियरिश है तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो करके यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाएं, सो उन लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर एक अच्छी बात निकल कर आ रही है कि हम लोग ये स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्ट्रेडल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोग इसको इंट्राडे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेडल का मतलब हो रहा है कि आपका सेम स्ट्राइक होना है, सेम स्ट्राइक के कॉल और पुट को या तो आप बाय कर लो या फिर उसको सेल कर दो, वो हमारा स्ट्रेडल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप कॉल पुट को बाय करके चलते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे आप लॉन्ग है स्ट्रेडल के अंदर, तो वो लॉन्ग स्ट्रेडल हो जाएगा। अगर आप कॉल एंड पुट को बाय करके चल रहे हैं तो वो हो जाएगा लॉन्ग स्ट्रेडल, और आप यहाँ पर कॉल और पुट को शॉर्ट करके चल रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका शॉर्ट स्ट्रेडल। बट यहाँ पर जैसे आप कॉल और पुट को बाय करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, यहाँ पर थीटा शॉर्ट हो जाते हैं, आपको यहाँ पर टाइम का वैल्यू देना पड़ता है, टाइम का पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते हैं, यानी कि कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं एक ही स्ट्राइक का, तो उसमें आप थीटा लॉन्ग हो जाते हैं। तो स्ट्रेडल को हम लोग थीटा लॉन्ग और थीटा शॉर्ट दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बट कहाँ पर थीटा लॉन्ग करना है, यानी कि कब शॉर्ट करना है और कब लॉन्ग करना है, वो हमको देखने वाली बात है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी स्ट्राइक हमारा हो सकता है। मान लो कि हमारा निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 12,000 के आसपास, तो उसी 12,000 का कॉल ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर चल रहा है 70 रुपीज़। उसी स्ट्राइक का यहाँ पर पुट ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है 105 का। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि हमारा स्ट्रेडल क्या होगा, 70 + 105 यानी कि 175, यह स्ट्रेडल की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रेडल को लॉन्ग करते हैं तो आप माइनस में हो जाएंगे 175, ये आपने पे कर दिया यहाँ पर। ये आप कब करेंगे, जब आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हाई होने वाली है, यानी कि प्राइजेस अचानक से ऊपर या नीचे जा सकती है, पर मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि प्राइजेस या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, एक डायरेक्शनल व्यू हो सकता है किसी भी तरफ में, तब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेडल को लॉन्ग करके चलते हैं। तो जब भी हम लोग स्ट्रेडल को लॉन्ग करते हैं तो हमारा मैक्सिमम यहाँ पर जो लॉस होता है ना वो यहाँ पर फिक्स हो जाता है, यानी कि 175 से हमको यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। बट आप ये इमेजिन करो कि अगर आप इसको 10 लॉट पे कर रहे हो या 5 लॉट पे भी कर रहे हो सो ये काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। बट यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स अनलिमिटेड आने की चांसेस हैं। वो क्यों हैं और कब होंगे वो अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी चल रहा है अभी हमारा 12,000, करेक्ट, और हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेडल को कर दिया लॉन्ग,
तो जैसे हम लोग स्ट्रेडल को लॉन्ग करेंगे, यानी कि हम लोग कॉल ऑप्शन को भी परचेस कर रहे हैं और पुट ऑप्शन को भी परचेस कर रहे हैं, सो हम लोगों ने 70 और 105 175 मार्केट को दे दिया। अब मुझे प्रॉफिट कब से स्टार्ट होगा? मुझे प्रॉफिट तब स्टार्ट होगा जब मार्केट के अंदर, मुझे प्रॉफिट तब स्टार्ट होगा जब मार्केट के अंदर 12,175 के ऊपर मार्केट निकल जाए, यानी कि प्लस 75 अगर करता हूं मैं, सो ऊपर का मेरे लिए ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। सो 12,175 के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा तब मैं यहां पर प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करूंगा, और जितना मार्केट ऊपर जाएगा मैं यहां पर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स बनाता जाऊंगा। सिमिलरली या तो मार्केट टूट जाए, टूटने में अगर मार्केट 175 टूटता है तो यहां पर 11,825 के नीचे मार्केट जितना जाएगा उसके बाद मैं अनलिमिटेड प्रॉफिट्स यहां पर बना सकता हूं। तो अभी देखने में लग रहा है कि यार काफी बड़ा मूवमेंट होगा, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे। तो आपका व्यू भी वही था ना कि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी हाई होने वाली है, एक डायरेक्शनल व्यू किसी भी साइड में होने वाला है 300-400 पॉइंट का, तब आप ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। और अगर मार्केट इन दोनों लेवल को यहां पर नहीं ब्रेक कर रहा है, सो इन दैट केस आपको यहां पर थीटा लॉस हो जाएगा। जो एक दिन की वैल्यू आपको यहां पर देना पड़ती है थीटा के अंदर, वो आपकी यहां पर लॉस होगी। वो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आपको कैसे वो एक दिन की वैल्यू पे करना पड़ती है। तो स्ट्रेडल को हम लोग तभी लॉन्ग करने वाले हैं जब हमारे पास यहाँ पर कोई इवेंट होगा, कोई बजट का दिन, जैसे यहाँ पर हमको एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, उसका हमको यहाँ पर अंदेशा होगा, तो उस दिन हम लोग स्ट्रेडल को लॉन्ग करने वाले हैं। या किसी स्टॉक के अंदर उसका रिजल्ट आ रहा है, इन दैट केस वहाँ पर या तो नेगेटिविटी जाएगी या फिर एक पॉजिटिविटी आएगी, सो वहाँ पर हम लोग स्ट्रेडल को लॉन्ग करने वाले हैं। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम लोग हर बार थीटा को लॉन्ग करके चलेंगे, यानी कि हम स्ट्रेडल को शॉर्ट करके चलेंगे। तो जो अभी हम लोग यहां पर लॉन्ग करने वाले थे स्ट्रेडल को, अब हम लोग शॉर्ट करेंगे। इसका मतलब हम लोगों ने कॉल ऑप्शन भी बेच दिया 70 रुपए में और पुट ऑप्शन भी सेल कर दिया हम लोगों ने 105 में। सो हमको यहां पर कितना मिल गया? 175 रिसीव हो गया। तो सिमिलरली जहां पर हमको प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा था ब्रेक इवन पे, अब हमारे वो स्टॉप लॉस हो जाएंगे। सो हम लोग जब भी स्ट्रेडल को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, यहां पर 12,000 का हम लोग निफ्टी चल रहा है हमारा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने उठाया और इसको हम लोगों ने उठाया, कॉल और पुट को दोनों को सेल कर दिया, तो हम लोगों ने रिसीव कर लिया 175। अब हमको एग्जिट कब लेना है? हमको एग्जिट लेना है 175 हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो 12,175 पे हमको एग्जिट कर लेना है। सिंपल कैलकुलेशन है। और नीचे में अगर मार्केट जाता है 11,825 तो यहां पर हमको एग्जिट कर लेना है। तो ये हम लोगों ने रेंज डिसाइड कर ली कि हमको एग्जिट कब करना है, और अगर मार्केट इन दोनों रेंज को नहीं तोड़ता है तो आपको थीटा का पैसा यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर ये बात आएगी क्या 175 पूरा मिल जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। थीटा एक दिन का कितना वैल्यू हमको दिखा रहा है वो हमको यहां पर मिलेगा, वो अभी हम लोग यहां पर देखने वाले कि वो कैलकुलेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो इन दिस केस जब आप स्ट्रेडल को शॉर्ट करते हैं, सो आपका बैकअप माइंड ये बोल रहा है कि वॉलेटिलिटी लो रहने वाली है, दैट्स वाई आप यहां पर स्ट्रेडल को शॉर्ट कर रहे हैं। तो व्यू हमको उल्टा बनाना है, मतलब ना तो हम बुलिश है ना बियरिश है, हम तो वॉलेटाइल या लेस वॉलेटाइल है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसको इंट्राडे में कैसे प्ले कर रहे हैं, लेट सपोज कि आपका यहां पर स्टॉप लॉस हिट होता है, 175 पॉइंट का मूवमेंट आ गया अगर मार्केट के अंदर और स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, सो हमारा प्रोसेस क्या है, सो इमीडिएटली हम लोग क्या करने वाले, 12,200 के कॉल और पुट को शॉर्ट करने वाले, मतलब यहां पर एक नया स्ट्रेडल हम लोग शॉर्ट कर देंगे और वापस से स्टॉप लॉस ले लेंगे जो हम लोगों ने यहां पर पोजिशन बनाई है उसके अकॉर्डिंग। वहां पर भी हम लोग कॉल को किसी रेट पे शॉर्ट करेंगे, पुट को किसी रेट पे शॉर्ट करेंगे, तो जो हमारा कंबाइन प्राइस आएगा उसका हम लोग प्लस करके स्टॉप लॉस दोनों तरफ का बना लेंगे। सो ये प्रोसेस हमको कंटिन्यू करना है, मतलब हमको ये कंटिन्यूसली यहां पर करते रहना है। सो यहां पर हमको अपने लॉस डिफाइन करना है, हमको अपने प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिफाइंड है अगर हम लोग स्ट्रेडल को शॉर्ट करके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने किसी भी स्ट्रेटेजी को देखा, उसको समझा और फिर उसको अप्लाई किया, तो अप्लाई करने में क्या होगा, पहले दिन जो लोग यहां पर लॉन्ग करके जाएंगे या फिर जो लोग यहां पर शॉर्ट करके जाएंगे, तो आधे लोगों को यहां पर नुकसान होने वाला है, आधे लोगों को यहां पर प्रॉफिट होने वाला है। तो जिनको प्रॉफिट होगा उनको लगेगा कि मस्त स्ट्रेटजी है, अपना काम बन गया, अपने को यहां पर शॉर्ट करके चलना है। और जिन लोगों को यहां पर लॉस होगा उन लोगों को लगेगा कि क्या स्ट्रेटजी है, यहां पर तो कुछ मूवमेंट ही हो रहा है, करेक्ट। तो अभी हमको इस नजरिए से हटना है, हमको यहां पर यह चीज करना है कि हम लोग किसी भी स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 50 डेज 100 डे का एक हमको रिसर्च डेटा तैयार करना है कि हम लोगों ने इसको 100 दिन तक मार्केट पे अप्लाई किया और निफ्टी के इस मोमेंट पे हम लोगों ने इसको अप्लाई किया था, और निफ्टी में किया, बैंक निफ्टी में किया या स्टॉक ऑप्शंस के अंदर किया, तो वहां का डेटा आपको यहां पर बनाना है। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर आप स्ट्रेडल को शॉर्ट करके चलेंगे तो आपने अगर 100 ट्रेड लिया, 70 ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, 30 ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। सो नेट पोजिशन हमको कंपेयर करना है, हमको एक या दो ट्रेड से यह जज नहीं करना है कि स्ट्रेटजी के अंदर कितना दम है, उससे हम लोग कितना प्रॉफिट और लॉस बना पा रहे हैं, हमको उसको कंटिन्यूटी देना पड़ेगी। तो क्या हम लोग डायरेक्टली मार्केट के अंदर अप्लाई कर दें? बिल्कुल नहीं। आप इसका पेपर ट्रेडिंग करें, बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर करो,
और इसका डेटा बनाओ कि जैसे मंडे के दिन हम लोगों ने स्ट्रेडल को शॉर्ट किया, सो हम लोगों ने यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया, पुट को शॉर्ट किया, हम लोगों ने देखा कि आज मार्केट में किसी प्रकार की न्यूज नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, तो हम लोगों ने उसका डेटा यहाँ पर प्रिपेयर किया। ऐसे डेटा को हमको रियलाइज करके उसका स्टडी करना पड़ेगा, देन हम लोग फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग अब कितने लॉट्स के ऊपर अब यहाँ पर ट्रेडिंग करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो एक्सपायरी यहाँ पर ली है वो 13th of Feb के लिए, और जो हमारा निफ्टी फ्यूचर चल रहा है वो लगभग 12,000 के आसपास चल रहा है, मतलब यहाँ पर चल रहा है। तो उसका कॉल का वैल्यू 85 चल रहा है, पुट का चल रहा है 88, सो इसका कंबाइन प्राइस आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रेडल का 174। सो ये जोड़ी का प्राइस है, आप यहाँ पर इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो अभी अगर हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, मान लो कि 172 पे अभी हम लोगों ने इसको शॉर्ट कर दिया, तो हमको 172 रिसीव हो जाएंगे, कॉल भी शॉर्ट कर दिया, पुट भी शॉर्ट कर दिया। तो इसकी थीटा की कैलकुलेशन अभी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने कॉल का प्राइस उठा लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने अंडरलाइन का प्राइस हमारे पास आ रहा है, स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने 12,000 का ले लिया है, इसकी वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है। सो यहाँ पर आपको दिखा रहा है थीटा जो चल रहा है इसका 5.09। तो अभी हम लोग यहाँ पर 75 निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक लॉट कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, एक लॉट हम लोग यहाँ पर पुट शॉर्ट कर रहे हैं। सो लगभग हमको जो थीटा रिसीव होगा दिन भर का वो होगा यहाँ पर 10 रुपीज़ के आसपास। सो 10 × 75 इस थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पर रिसीव होने वाला है अगर मार्केट इन दोनों लेवल को यहाँ पर नहीं तोड़ता है तो, या फिर अगर आप यहाँ पर स्ट्रेडल को लॉन्ग करके जा रहे हैं और मूवमेंट अगर मार्केट में नहीं आता है तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो यहाँ पर इसका थीटा वैल्यू दिखा रही है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि इंट्राडे के अंदर आपको ये काम करना है तो आपको मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा। सो इनफैक्ट जिन लोगों ने यहाँ पर कॉलेटरल मार्जिन लिया हुआ है सो उनको तो एडिशनल मार्जिन की भी जरूरत नहीं है, यानी कि कैश की मार्जिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पर। इंट्राडे में आप यहाँ पर 10 लॉट 20 लॉट के ऊपर काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने वो एक्सेल शीट तैयार कर ली हो जिसके अंदर आपने लगभग 25 से 30 दिनों का डेटा एटलीस्ट आपने बनाया हो यहाँ पर कि स्ट्रेडल इंट्राडे में कैसे काम कर रही है। तो सिंपली यहाँ पर थीटा लॉन्ग करने की स्ट्रेटेजी है, बियरिश या बुलिश से हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमको इंटेंसिटी से मतलब है। अगर बियरिश है मार्केट तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से चाहिए, बुलिश है तो ज़्यादा इंटेंसिटी से चाहिए, नहीं तो अगर साइडवेज जा रहा है सो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेडल को शॉर्ट करके चलेंगे। तो इस तरीके का कैलकुलेशन आपको यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रेंगल के बारे में देखने वाले हैं कि स्ट्रेंगल कैसे हमको प्रॉफिट करके देगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।